आज हम रस निष्पत्ति को समझेंगे। रस निष्पत्ति कैसे होता है, रस का अनुभव प्रेक्षक पाठक कैसे करता है, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। जब हम कोई साहित्यिक रचना पढ़ते हैं, चाहे वो काव्य हो, उपन्यास हो, नाटक हो, कहानी हो या फिल्म आदि, जब हम देखते हैं तो कोई दृश्य विशेष में जब हम पहुंचते हैं तो देखते हैं कभी कभी कुछ प्रेक्षक अश्रुपूरित दृष्टि से देखने लगते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो कई बार ऐसा होता है कि जब हम कोई फिल्म या उपन्यास या कोई काव्य कृति पढ़ रहे हों और उसमें ऐसे लीन हो जाते हैं कि कोई अगर हमें व्यवधान उत्पन्न करता है तो हमें क्रोध आने लगता है। ऐसा क्यों होता है? तो यह एक प्रक्रिया है, इसे रस निष्पत्ति कहा जाता है। रस निष्पत्ति पर सब सर्वप्रथम विचार हमारे काव्य शास्त्र के आदि आचार्य भरत मुनि जी ने किया है। उन्होंने एक सूत्र के माध्यम से रस निष्पत्ति को समझाया है। उनके अनुसार विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी भाव के संयोजन से, संयोग से जब वो मिल जाते हैं तब रस की निष्पत्ति होती है। अब यह विभाव अनुभाव व्यभिचारी, इन्होंने मूल तीन तत्व बताए। इसमें तीनों का अर्थ अगर हम देखें तो विभाव अर्थात कारण, अनुभाव अर्थात कार्य, संचारी भाव या व्यभिचारी भाव अर्थात सहकारी कार्य। विभाव जिसके अंतर्गत आलंबन और उद्दीपन आते हैं, आलंबन हम सामान्य शब्दों में कहें तो उसके अंतर्गत पात्र आदि आएंगे। जैसे कोई जंगल में जा रहा हो और कोई शेर देख ले तो भयभीत हो उठता है, तो शेर आलंबन हो गया। और वह अकेला हो, सुनसान जंगल हो, घना जंगल हो और शेर की चमकती आंखें देखे तो शेर को एक नज़र देखने से जितना वो भयभीत नहीं होता है, उससे ज़्यादा भयभीत उस वातावरण से होता है, तो वातावरण को उद्दीपन कहते हैं। फिर अनुभव आते हैं। अनुभव चार प्रकार के होते हैं। अनुभव में कायिक या आंगिक शारीरिक चेष्टाएं क्रियाकलाप इसके अंतर्गत आएंगे। वाचिक जिसमें बोलचाल स्वर बोलने का तरीका, कोई हास्य का कलाकार वो किस प्रकार से बोलता है कि हमें हंसी आने लगती है, तो ये वाचिक के अंतर्गत आते हैं। आहार्य वेशभूषा, अब कोई हास्य का कलाकार है तो अजीबोगरीब उसकी वेशभूषा होती है। कोई अगर शांत रस का अभिनय कर रहा हो तो उसका वेशभूषा भी उस तरह से होता है। और इसके बाद सात्विक भाव आते हैं, इसकी संख्या 8 है। जब अनुभाव में होता है अभिनेता या अभिनेत्री तो उसमें सत्तोद्रेक होता है, इसके अंतर्गत 8 भाव इस प्रकार होते हैं, स्तंभ स्वेद रोमांच स्वरभंग वैपथ्य या कंप वैवर्ण अश्रु और प्रलाप। ये तत्व तो जब मिलते हैं आपस में तो रस निष्पत्ति होती है, जिसमें एक सहकारी भाव मैंने कहा था उसकी संख्या 33 है। और इसमें जैसे चपलता हो,
हर्ष, मग, ग्लानी, निर्वेद आदि आदि, तो ये रस को पुष्ट करने में मददगार होते हैं। ये उसी प्रकार होते हैं जिस प्रकार जल में बुलबुले उठते हैं और समाप्त हो जाते हैं। अब भरत मुनि ने तीनों तत्वों पर विचार तो किया, लेकिन स्थाई भाव का उल्लेख उन्होंने नहीं किया। शायद इसलिए क्योंकि स्थाई भाव के बिना रस उत्पन्न ही नहीं हो सकता, उसके लिए सहृदय होना जरूरी है, और स्थाई भाव सहृदय में पहले से ही व्याप्त होता है। अब जैसे कोई गलत कार्य देख करके क्रोध आना स्वाभाविक है, कोई हास्यास्पद घटना देख करके हंसी आनी स्वाभाविक है, तो रति, निर्वेद, क्रोध, उत्साह आदि स्थाई भाव के अंतर्गत आते हैं। अब ये जब उन्होंने संयोग कहा, विभाव, अनुभाव, व्यविचारी, संयोगाद रस निष्पत्ति, जब तीनों का संयोजन होता है स्थाई भाव के साथ, तो हमारा स्थाई भाव वासना रूप में जो होता है वो जागृत हो जाता है। फिर हम यह भूल जाते हैं कि हम जो देख रहे हैं ये अभिनय है, जो अभिनय कर रहा है वह भी वास्तविक नहीं है, फिर भी हम उसमें जुड़ते हैं और हमें आनंद की अनुभूति होती है। अब इस संयोग और निष्पत्ति, यह जो दो शब्द भरत मुनि ने दिए, इसको परवर्ती आचार्यों ने अपने अपने तरीके से परिभाषित किया है। इस श्रृंखला में चार प्रमुख आचार्य आते हैं, आचार्य भट्टनायक जिन्होंने उत्पत्तिवाद कहा, आचार्य शंकुक जिन्होंने अनुमिति कहा, आचार्य भट्ट नायक जिन्होंने भुक्ति कहा, रस की भुक्ति होती है, आचार्य अभिनव गुप्त जिन्होंने कहा रस की अभिव्यक्ति होती है, आचार्य भट्ट लोलट जिन्होंने संयोग और उत्पत्ति दोनों शब्द को अपने तरीके से परिभाषित किया। उनके अनुसार संयोग स्थाई भाव और विभाव आदि, विभाव अनुभाव संचारी आदि में जो संयोग होता है, जो संबंध होता है, वह उत्पाद्य उत्पादक संबंध होता है। अब जो नायक होता है, वह जो अनुकर्ता होता है, वो जो अभिनय करता है, तो जब प्रेक्षक देखता है उसे, तो उसे देखकर वो राम सीता आदि का आरोप कर लेता है उसमें। जब आरोप करता है तो राममय सीतामय हो जाता है, और रस उद्रेक होता है, तो रस जो उद्रेक होता है उन्होंने उसको उत्पत्ति कहा। फिर इसको अपने तरीके से प्रवृत्ति आचार्य में आचार्य शंकुक ने कहा कि नहीं, उत्पत्ति नहीं, रस की तो अनुमिति होती है। उनके अनुसार जो अनुकर्ता होते हैं वो जब अभिनय करते हैं तो प्रेक्षक देखता है, और अनुकर्ता उसमें अनुमान कर लेता है कि यही राम होंगे, ऐसे ही राम हुए होंगे, फिर उसे आनंद की अनुभूति होने लगती है। इन्होंने संयोग शब्द को अनुमाप्य और अनुमापक संबंध बताया। स्थाई भाव अनुमाप्य है और विभाव आदि जो भाव हैं अनुमापक हैं। इसके बाद आचार्य भट्टनायक जिन्होंने भुक्तिवाद दिया, इन्होंने तीन व्यापार बताए। इन्होंने जो पूरी प्रक्रिया है विभाव अनुभाव व्यविचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, इसको समझाते हुए कहा कि पहले अभिधा व्यापार होता है, जिसके द्वारा हम घटना को समझते हैं, पात्रों को पहचानते हैं, तो फिर उसके बाद भावकत्व होता है जिससे साधारणीकरण होता है, रजस तमस जो गुण है उसका शमन होने लगता है, और सत्वोद्रेक होता है, और भावकत्व अर्थात साधारणीकरण की जो उनका जो सिद्धांत आया यही भट्टनायक जी ने दिया। और जब तक साधारणीकरण नहीं होगा, जनरलाइजेशन नहीं होगा, तब तक हम रस की अनुभूति कर नहीं पाएंगे। हमें हमारे दिमाग में अगर यह बात होगी कि यह जो है अभिनय यह सत्य नहीं है, हम जो देख रहे हैं यह अभिनय है, ये भाव जब तक रहेगा तब तक हम रस की अनुभूति नहीं कर सकते। तो साधारणीकरण जब हो जाता है
जब रजस तमस का शमन हो जाता है, सत्व उद्रेक हो जाता है और तब फिर रस की अनुभूति होती है, चाहे वो विषय श्रृंगार हो, हास हो, रोद वीर हो, करुण हो, कुछ भी हो। करुण जब रस, जब कोई दृश्य हम देखते हैं तो आंखों से आंसू आने के बाद भी हम उस दृश्य को रोकते नहीं हैं, वह इसीलिए कि उससे भी आनंद की अनुभूति होती है। तो इस प्रकार भरत मुनि ने रस की निष्पत्ति बताई, तो भट्टलोलट ने उत्पत्ति, तो संकुक ने अनुमिति, तो आचार्य भट्टनायक ने रस की भोक्ति बताई और अभिनव गुप्त ने रस की अभिव्यक्ति बताई। और इस प्रकार रस की निष्पत्ति होती है, रस का अनुभव होता है और हम बिना उस दृश्य को पूरा देखे वहाँ से उठ नहीं पाते हैं, उससे जुड़ जाते हैं। तो इस प्रकार रस की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है हमें। धन्यवाद।